दोस्तों लैब्राडोर रिट्रीवर इंडिया में वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डॉग ब्रीड के रैंकिंग में ऊपर है, बहुत ऊपर है, और हर कोई एज ए पेट अपने घर में रखना चाहते हैं। और ज़्यादातर लोगों को ये पता नहीं होता कि एक प्योर क्वालिटी का लैब्राडोर रिट्रीवर कैसा होता है, इसलिए कुछ डॉग ब्रीडर जो कि मिक्स डॉग ब्रीड आपको दे सकते हैं, इसीलिए मेरे वीडियो को आखिर तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो देखते हैं। अगर आपको कोई प्योर क्वालिटी का लैब्राडोर रिट्रीवर चाहिए तो कोई अच्छे ब्रीडर डॉग ब्रीडर के पास जाएं और लैब्राडोर रिट्रीवर पप्पी लेते वक्त उसका पेपर जरूर चेक करिएगा, वो रजिस्टर्ड है या फिर नहीं। अगर हो सके तो उसके पेरेंट्स से मिलिएगा या फिर मदर से ही सिर्फ मिलिएगा और देखें वो असली लैब्राडोर रिट्रीवर है या फिर नहीं। अब हम बात करते हैं कि एक प्योर क्वालिटी का लैब्राडोर रिट्रीवर आप कैसे आइडेंटिफाई कीजिएगा। लैब्राडोर लेते वक्त आप सबसे पहले उसका टेल चेक करिएगा। इनकी टेल कहीं से भी कर्व्ड नहीं होती, कहीं से भी मुड़ी हुई नहीं होती, ये एकदम स्ट्रेट होती है, लेकिन थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन खेलने खेलने में अगर कोई कभी कभी कब्ड हो जाए तो वो प्योर ब्रीड ही है दोस्तों। लेकिन आप जो पप्पी ले रहे हैं अगर उसका टेल ऊपर की तरफ मुड़ी हुई है तो वो प्योर लैब्राडोर ब्रीड नहीं है। लैब्राडोर ब्रीड को आइडेंटिफाई करने का दूसरा तरीका है इनका कोट कलर। लैब्राडोर तीन कोट कलर में आते हैं, वो है ब्लैक और चॉकलेट एंड येल्लो। लैब्राडोर सिर्फ ये तीन कोट कलर में ही आते हैं। और सबसे ज़रूरी बात दोस्तों, अगर लैब्राडोर ब्रीड का जो पप्पी आप ले रहे हैं किसी ब्रीडर से, उस पप्पी का शरीर पे कहीं पे भी कोई मार्किंग नहीं रहना चाहिए। अगर कोई मार्किंग है तो उस पप्पी को आप नहीं लीजिएगा, मतलब कि वो प्योर नहीं है। लेकिन दोस्तों लैब्राडोर का कान और पेट की तरफ थोड़ा कलर थोड़ा सा डार्क हो सकता है, लेकिन अगर पूरा डार्क हुआ या फिर पूरा मार्किंग आ गया पूरा बॉडी पे दोस्तों, तो वो एक प्योर क्वालिटी का लैब्राडोर रिट्रीवर नहीं है। और एक क्लू दोस्तों, लैब्राडोर का जो कान है वो सिर के साथ चिपका हुआ होता है और नीचे की तरह होते हैं, नीचे की तरफ झुकी हुई होते हैं, ये कहीं से भी उठे हुए नहीं होते और मुड़े हुए नहीं होते, ये पूरे एकदम फेस के साथ चिपके हुए होते हैं। लैब्राडोर ब्रीड लेने से पहले आप इसका कोट जरूर चेक कीजिएगा। इसका कोट बहुत ही शाइनी होता है, आपको छूने से ही पता चलेगा कि ये एक प्योर क्वालिटी का लैब्राडोर है या फिर नहीं। दोस्तों और एक तरीका है इसको पहचानने के लिए दोस्तों, इसका चीक्स चेक करिएगा, ये थोड़ा ढीला होता है और नीचे की तरफ झुके हुए होते हैं। किसी भी लैब्राडोर के चीक्स एकदम टाइट नहीं होना चाहिए। एक अच्छी लैब्राडोर ब्रीड लेने के लिए सबसे पहले आप उसे चेक कीजिए कि वो एक्टिव ब्रीड है या फिर नहीं। लैब्राडोर ब्रीड लेने से पहले हो सके तो आप चेक कीजिएगा कि इसका मदर को कोई प्रॉब्लम तो नहीं, जैसे कि आई का प्रॉब्लम, अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो वो बच्चे में भी आ सकता है। तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को, आगे बढ़ाइए, सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को फेमस करिए। थैंक यू, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय दोस्तों।